The question is, find the value of x for which the points x comma minus 1, 2 comma 1 and 4 comma 5 are collinear. So let's see how we are going to solve this problem. तो चलिए एक बार पहले डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं. सपोज आपके पास कोई भी तीन पॉइंट्स हैं एंड दे आर कॉलिनियर. कॉलिनियर का मतलब होता है वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे होंगे. तो मान के चलिए ये पहला पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा माइनस 1 जैसा कि क्वेश्चन में मैंशनड है. दूसरा पॉइंट आपके पास है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 कॉमा 1, द कोऑर्डिनेट इज 2 कॉमा 1 और थर्ड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास है 4 कॉमा 5 के. लेट दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी. अब जैसा कि क्वेश्चन में मेंशनड है कि ये तीनों पॉइंट ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड कि दे आर कॉलिनियर. अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी आपस में बराबर होना चाहिए. तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्लोप हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. सपोज अगर आपके पास ये एक लाइन है और इस लाइन पे एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट आपके पास है x2 कॉमा y2 और अगर आपको गिवन लाइन का स्लोप निकालना है तो स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के. दैट इज द स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन. और इनकेस अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, इनकेस अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं या फिर कॉलिनियर है, कॉलिनियर वाले केस में भी ये काम करेगा. लेट ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है. इन बोथ ऑफ द केस द स्लोप आर सेम. अगर ये आपका m1 है और ये आपका m2 है तो m1 इज ऑलवेज इक्वल टू m2. अब चलिए इस कंडीशन को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले मैं a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं और जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि अगर मैं इसको m1 से रिप्रेजेंट कर दूं, द स्लोप ऑफ ab, तो ये मेरे पास बराबर होगा 1 माइनस माइनस 1 दैट इज y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस x के. आप इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 2 माइनस x. m1 इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b. अब हम स्लोप निकालेंगे bc का. अभी हम लोग इसे m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और m2 के स्लोप की अगर अपन बात करें तो चलिए मैं यहाँ पे m2 का स्लोप भी निकाल देता हूँ. m2 का स्लोप हमारे पास बराबर होगा दिस इज 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 के, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 और यू कैन से दिस इज इक्वल टू 2 यूनिट. अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर तीन पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर हैं, अगर वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो m1 की वैल्यू m2 के बराबर होनी चाहिए. m1 आपने ऊपर निकाला है, दिस इज द डाटा फॉर m1 विच इज 2 अपॉन 2 माइनस एक्स. तो ये क्वांटिटी 2 अपॉन 2 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2k. अब कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स और यू कैन से x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम.